राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान, और आप लोग मिल करके बिहार में जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर करा करके ये साबित करिए कि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा देना चाहते हैं, इनकी भागीदारी देना चाहते हैं। जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने टीवी पर, अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्रित्व काल में भी माननीय नीतीश कुमार जी बार बार जातिवार जनगणना कराने का ऐलान करते रहे हैं और बताते रहे कि भाजपा बाधक बनती थी। अब तो भाजपा बाधक नहीं है, अब तो आपके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट ये लोग भी चाहते थे कि बिहार में जातिवार जनगणना हो, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि पूरे देश में जातिवार जनगणना हो, ताकि इस देश में रहने वाली अहिर गड़ेरी, कुंभी कोयरी, भर चमार, मुसार, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बीनमला,